यो व्हाट इज अप क्लैशर्स, अंकुश है शेयर्स एंड गाइस सबका स्वागत है मेरे को और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तेरा बाप। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे क्लैन कैपिटल में जो न्यू रेट सिस्टम स्टार्ट हुआ है उसके साथ ट्विटर पे एक पोस्ट भी आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसमें हमें 3-4 क्ल्यू देखने के लिए मिले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, जिसके बारे में आज वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो आपको बता देता हूँ उसमें हमें कुछ ना कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज के बारे में भी पता लगा है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले। इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कुछ तरीका है भीख मांगने का? चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज में। चलो लगाते छोटे से इंट्रो, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो भाई देख। How heavy is that? Light work and the bass on the track on my face in the back like I'm taking a slap. I need a drink but it's straight from the tap. तो गाइस क्लैश ऑफ क्लैन वाले और सुपर सेल वाले बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे हैं हमारी क्लैश ऑफ क्लैन का। आप देख सकते हो कितना अच्छा इंटरफेस है। अगर हमारी गेम में ओपन करें अपनी गेम को और ये वाला इंटरफेस हमें देखने के लिए मिले कितना ऑसम लगे। तो गाइस ये भी हमारा प्रेडिक्शन है, अगर हमारी गेम में न्यू छोटा मोटा अपडेट आता है तो ये हमें चीज़ देखने के लिए मिल सकती है हमारी गेम में जो कि बहुत ही मस्त है। जब हम गेम स्टार्ट करें और ये वाला इंटरफेस आए कितना मस्त लगे। चलो अभी बात करते हैं क्ल्यूज़ के ऊपर। तो गाइस आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम फर्स्ट क्ल्यू किसके ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं हमारे फ्लाइंग फोर्ट्रेस के ऊपर। बिल्कुल गाइस, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, मेरे को भी पता है आपको भी पता है। अगर बेस पर एक बार छोड़ दिया जाए तो बेस खत्म होकर के वापस आता है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, इसके ऊपर हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका होने वाला है। तो गाइस मेरे को लग रहा है जो हमारी गेम में भी न्यू क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज आने वाला है इसको बिल्कुल यार इसका जो डैमेज है या इसकी स्पीड कम कर देंगे। क्योंकि गाइस इतना ज़्यादा खतरनाक अगर हमारी गेम में चीज़ है तो भैया जी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हर एक बेस को 3-स्टार करना इजी पीजी हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा है गेम वाले क्या करेंगे इसकी तो जा तो भैया स्पीड जो है और कम कर देंगे। वैसे भी यार कम ही है इसकी स्पीड, नहीं तो और कम कर देंगे। और इसका जो डैमेजिंग लेवल है जो इसको भैया जी डिस्ट्रक्शन देता है ये उसका भी डिक्रीज कर सकते हैं। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जहाँ भैया जी इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, और गाइस आप इसी वाले फोटो में एक चीज़ और देख सकते हो, आपको यहाँ पे सुपर मिनियन देखने के लिए मिलता है जो कि हमारा जो फर्स्ट वाली फोटो थी जहाँ पे हमारा गेम इंटरवेस स्टार्ट होता है वहाँ पे हमें कोई भी सुपर मिनियन देखने के लिए नहीं मिलता। दूर दूर तक आप देख सकते हो कोई भी हमें सुपर मिनियन देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है गाइस, और यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट पोस्ट आई है इनकी वहाँ पे हमें सुपर मिनियन देखने के लिए मिलता है, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन देखने के लिए मिल जाते हैं। एक तो भैया जी बहुत ही पीछे दिख रहा है, छोटा बोटा बहुत ही छोटा। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि हमारी गेम में न्यू सुपर मिनियन आने वाला सुपर मिनियन आने वाला है। ठीक है ना, मतलब ये हमारी गेम में एग्जिस्ट करने वाला है, क्लैन कैपिटल में एग्जिस्ट करने वाला है सुपर मिनियन जहां से हम अटैक कर सकते हैं। एक चीज आपको और बताता हूं, अगर आपको ये झूठ लग रहा हो तो गाइस आप देख सकते हो हमारी गेम में ओनली क्लैन कैपिटल में एक तो हमें देखने के लिए मिलता है रॉकेट। ठीक है, रॉकेट बेलून, उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है स्केल्टन बैरल। ठीक है, और कुछ उसके बाद हमें फ्लाइंग फोर्ट्रेस भी देखने के लिए मिलता है। ये तीन चीज़ें हैं जो हवा में उड़ती हैं और कोई हवा में उड़ने वाली चीज़ नहीं है हमारी गेम में जो हमारे क्लैन कैपिटल में हो। ठीक है, तो सुपर मिनियन हमारी गेम में एग्जिस्ट कर सकता है, क्लैन कैपिटल में एग्जिस्ट कर सकता है, बहुत ही जल्दी आ सकता है हमारे न्यू अपडेट में जून में। तो चलो अभी चलते हैं थर्ड क्ल्यू। तो गाइस आपको जैसे पता ही होगा अभी हमारे क्लैन कैपिटल को आए हुए कितना 1 मंथ तो हो ही चुका है, एटलीस्ट 1 मंथ हो चुका है, ना ही हमें कोई सुपर ट्रूफ और ना ही हमें कोई न्यू वैली देखने के लिए मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना ओनली जो पहले वाला हमारा क्ल्यू जब हम गेम ओपन करते हैं वहाँ पर जो हमारा इंटरफेस आता है ना तो वहाँ पर हमें ओनली 7 वैलीज देखने के लिए मिलती है जो हमारी गेमें एग्जिस्ट कर रही हैं अभी। बट जो हमारा न्यू ट्विटर पर फोटो आई है ना उस पर हमें पीछे 2 वैलीज और देखने के लिए मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त है और उनका रास्ता अनलॉक हो चुका है जो कि हमारी गेम में आ सकती हैं। और आप देख सकते हो इतनी ज्यादा जगह खाली है ना अभी न्यू वैलीज को आने के लिए। तो इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे के लिए, तो आप देख सकते हो गाइस बहुत ज्यादा जगह खाली है। और ये भी मेरा प्रेडिक्शन है कि हमारी गेम में न्यू वैली हमें देखने के लिए मिलेगी हमारे जून अपडेट में। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वाला भी अपडेट? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, न्यू वैली आएगी तो भैया और मज़ा आएगा, न्यू ट्रूफ्स आ सकते हैं उसके साथ साथ। एंड नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं हमारे फोर्थ क्ल्यू के ऊपर जो कि हमारा फ्लाइंग फोर्ट्रेस्ट,
इसका जो लेवल है ना, लेवल पे हम बात करेंगे अभी। पहले तो हमने बात की थी इसके, किस पे बात की थी हमने, यस क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज के बारे में बात की थी। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे इसके लेवल के ऊपर कि हमारा न्यू लेवल आ सकता है क्या। नहीं गाइज, ये हमारा बिल्कुल भी न्यू लेवल एग्जिस्ट नहीं कर सकता हमारी गेम में, क्योंकि इसका जो डिस्ट्रक्शन लेवल है ना बहुत ही ज़्यादा हाई है। मतलब अगर एक हिट पड़ता है तो उसको भैया जी डैमेज इतना खतरनाक मिल जाता है ना, मतलब भैया जी सोच भी नहीं सकते आप। उसके बाद जो इसका हिट पॉइंट है वो भी आप देख सकते हो 10,000, मतलब ये जितनी मर्जी इसको भैया मार लो, जितनी मर्जी गोलियां मार लो, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से टूटता है, ठीक है। उसके बाद अपने स्केल्टन ग्लाइडर भी छोड़ता है, और उसके बाद जो नीचे से वो होते हैं ना स्केल्टन, वो भी निकलते हैं गाइज, देख सकते हो 100,000 स्पेस में हमें कितना कुछ मिल रहा है। बट मेरे को एक चीज़ लगता है, इसका जो लेवल कम कर देंगे, मतलब इसका लेवल लेके आ सकते हैं, पर जो इसका फिफ्थ लेवल मैक्स लेवल है ना, उसको इनको कम करना पड़ेगा, ठीक है। उसको वो कम करेंगे, उसके बाद ये लेवल 6 लेकर आएंगे, ठीक है, फोर्ट्रेस का लेवल जो नेक्स्ट आएगा ना। बट इनको ये वाला ख़त्म करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो वैसे भी यार है नहीं कि न्यू लेवल आए हमारे गेम में, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये डिक्रीज़ होगा तो भैया लेवल क्यों निकालेंगे, है ना। मतलब ऑब्वियसली बात है यार, लेवल डिक्रीज़ कर रहे हैं, अगर लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसको डिक्रीज़ भी मत करें ना। तो हाँ, इन दोनों में से एक चीज़ तो भैया बिल्कुल हमारी गेम में एग्जिस्ट करेगी, या तो भैया क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज में चेंज आएगा, नहीं तो इसका लेवल चेंज होगा, बस और कुछ नहीं गाइस। दोनों के दोनों चीज़ें मैंने इसी में क्ल्यू में आपकी क्लियर कर दी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे और कहीं पे भी रिप्लाई दे देना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, बिल्कुल कमेंट कर देना, बस मैं यार रिप्लाई दे दूंगा यार। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। यहां तक वीडियो देख रहे हो तो भैया जी बिल्कुल यार सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। चलो मिलते रहेंगे आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, जय वंदे मातरम भाइयों, थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।